तब से मैं बोल रही हूँ पर मैं ये नहीं देख रही हूँ मैं तब से ये ये बोल रही हूं भाई शेयर कर ये कर दो थी ही नहीं चलो ग्रेट सो मूविंग टू द सेशन फॉर टुडे बढ़ते अपनी क्लास की तरफ एंड ऑल्सो टू इट तो एक बार एक क्या कर लेना सभी लोग इसे सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक ना किया हो तो 12 तारीख को रात के नौ बजे हम लोग गिव अवे सेशन करने वाले हैं सो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन द सेशन 12 तारीख की रात के नौ बजे ओके डोंट मिस द सेशन दिस इज वेरी 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 स्पेशल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू हालांकि ये बहुत ही वो हो गया है यू कैन सी हियर वन डे और डे वन यू डिसाइड कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन अस क्या हम पे डिपेंड करता है कि वन डे और डे वन ये हमारे हमारी अप्रोच पे बहुत ज्यादा डिसाइड यही डिसाइड करती है कि एग्जैक्टली exactly हमारा फ्यूचर क्या होने वाला है ठीक है सो यू हैव टू डिसाइड इट एज है यूर कन्वीनियंस क्या कहूंगी यू हैव टू डिसाइड इट एज पर यूर अप्रोच अपनी अप्रोच के हिसाब से आप सोचोगे कि आपका वन डे है या डे वन है दोनों में ही कोई नेगेटिविटी नहीं आती है अपनी बातों में एनीवे anyway, चलो दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ मुझे लगता है कि आज हम लोग जो है कल किसने आंसर दिया था नेम प्लीज कल कोई आंसर नहीं दिया था क्योंकि कल कोई क्लास नहीं हुई थी एक और भी बात है बच्चों सैटरडे uh, को जो क्लास कर रहा है अपने आप में वही एक मोटिवेशन है हम लोग इसमें मोटिवेशनल कोट क्या खोजे क्योंकि जो सैटरडे में क्लास कर रहा है कहीं ना कहीं वो खुद ही इतना मोटिवेटेड है कि वो एग्जाम को क्लियर करना चाहता ही चाहता है वरना हम सभी लोग सोचते हैं फ्रेश डे फ्रेश वीक फ्रेश आवर्स ऐसे हम लोग रहते हैं पर अगर आप लोग ये एक बहाना नहीं खोज रहे क्लास करने का तो हाउ डू यू इवन नीड अ मोटिवेशन यू आर ऑलरेडी मोटिवेटेड एनफ इट हाँ भाई कल का कोई आंसर वांसर नहीं है तुम तो लोगों को कल का आंसर जरूर देखना होगा उसके पहले के आंसर होंगे हमारे पास में मोस्ट प्रोबेबली ठीक है कल तो अपनी क्लास नहीं हुई थी लेकिन उसके पहले लोग की क्लास हुई थी और ये हमारी उसके पहले वाली क्लास इसके से हम लोग फटाफट एक बारी देख लेते सो हियर यू कैन सी पारस अनुप्रीत वालिदी सरबर माधुरीमा परमजीत भारती यश सुमित राकेश आशुतोष राज वैशाली रूट मोहित पारिशा सिंह अमन तनवर मनोज दीज पीपल हैव इन डे आफ्टर यस्टरडे डे बिफोर यर स्टडीज क्लास डे आफ्टर हूँ ये तो गजब हो गया था ओके okay? चलो दोस्तों अब हम लोग अपनी आज की सेशन की तरफ चलते हैं आज की अपनी क्लास की तरफ ठीक है प्लीज वॉट प्लीज क्या किया जाए सबसे पहली खबर जैसे आप लोग यहां देख सकते हो आ, क्या हम लोग देख रहे हैं हम लोग देख रहे हैं कि अभी, अभी हाल फिलहाल में जो है अभी पारितोष त्रिपाठी इन्हें अपॉइंट किया गया है एज एमडी एंड सीईओ ऑफ एस बी आई जनरल इंश्योरेंस ठीक है तो ये एक अपॉइंटमेंट सेक्शन की न्यूज है ऑब्वियसली करना इंपॉर्टेंट है जानना जरूरी है चलो दोस्तों यहां हम लोग क्या देख रहे हैं हम लोग देख रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल में पारितोष त्रिपाठी जी को अपॉइंट किया गया है एमडीसीयू एस बी आई जनरल इंश्योरेंस का देखो जब भी आप लोग ये टर्म देख रहे हो जनरल इंश्योरेंस तो जनरल इंश्योरेंस का मतलब होता है जो बाकी सारे काम में इन्वॉल्व हो लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में इन्वॉल्व ना हो ठीक है जैसे आप लोग अगर पढ़ोगे तो आपको इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे एस लाइफ की बात कर रहे हैं या हम लोग यहाँ पे एस जनरल इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं ये सारी की सारी सब्सिडियरीज होती है किसकी एस बी आई की ये सब की सब सब्सिडी रिज है टॉकिंग अबाउट एस बी आई जनरल इंश्योरेंस तो याद रखिएगा, इनका जो हेड ऑफिस होता है ये कहां पर होता है ये हो जाता है मुंबई एस बी आई जनरल इंश्योरेंस का आपका हेड ऑफिस होता है मुंबई जनरल इंश्योरेंस का काम होता है जैसे ट्रैवल मोटर ये सारे जो इंश्योरेंस होते हैं लाइफ इंश्योरेंस से अलग हट करके इनका काम हुआ करता है ठीक है बच्चों और क्या याद रखे रहेगा इनकी स्टेब्लिशमेंट कब हुई थी जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी इन द ईयर टू ठीक है पेरेंट कंपनी कौन सी है इनकी इनकी पेरेंट कंपनी होती है एस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इसके अंदर सेवेंटी स्टेक होता है ठीक है कोई भी ऐसी कंपनी जिसका इक्यावन परसेंट से ज्यादा स्टेक है वही इसकी पेरेंट कंपनी कहलाती है तो इसकी जो पेरेंट कंपनी है ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसका इसके अंदर क्या है जिसका इसके अंदर स्टेक है सेवेंटी परसेंट से भी ज्यादा फिलहाल में यहां पे कौन अभी आपके चीफ बनाए गए हैं पारितोष त्रिपाठी इसके पहले कौन हुआ करते थे पीसी कांटवाल ठीक है तो इन्हें भी जरा आप लोग ध्यान रखे रहो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है अपार्ट फ्रॉम दैट देखो दोस्तों एक और बात याद रखिएगा एस बी आई की अपनी अप्रोक्स सेवन टू एट सब्सिडरीज है एस बी आई लाइफ एस बी आई जनरल इंश्योरेंस अभी एक और सब्सिडरी वो स्टैब्लिश करने वाली है जो ऐसे छोटे मोटे काम करेंगे बाकी जो एस बी आई है वो बहुत बड़े लेवल के जो गवर्नमेंट वाले वर्क होंगे वो सारी चीजें अभी हैंडल करने को कह रहा है ठीक है एनी वे सो हियर इज द थिंग की एस बी आई जनरल इंश्योरेंस के नए चीफ बनाए गए हैं आपके पारितोष जी ठीक है इनका पूरा नाम याद रखे रहो ये तो तुम लोग देख ही रहोगे मुझे ऐसा लगता है कि जरूर कोई ना कोई खास बात होती है त्रिपाठी लोगों के अंदर चलो तो ये देख लीजिएगा आप सभी लोग अगर अब हम लोग बढ़े अब की अभी हाल फिलहाल में और कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट आपकी रही है रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऐसी भी बातें अगर हम लोग कर लें तो देखो अच्छा एक और भी बात ये कब से आपके बनाए जाएंगे ये आपके चुने जाएंगे फ्रॉम फिफ्थ ऑफ जुलाई ये यहाँ पे अपना वर्क शुरू कर देंगे ठीक है बच्चों खैर अगर हम लोग हल्की सी और अपॉइंटमेंट अभी देख लें कि अभी और कौन कौन सी अपॉइंटमेंट न्यूज में थी जो हमें याद रखनी चाहिए काफी सारी हैं एक दो नहीं है बट फिर भी जो आपको याद रखनी चाहिए वो अगर हम डिस्कशन कर लें तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा हम लोगों ने पढ़ा था कि मोहन सुब्रमण्यम मोहन सुब्रमण्यम को फोर्स कमांडर बना दिया गया था क्या बनाया गया था बच्चों फोर्स कमांडर कहां का मिशन ऑन साउथ सूडान का एक तो आप लोगों को इनको याद रखना चाहिए इंपॉर्टेंट हो जाता है है ना इसके अलावा और किसके याद रखो इसके अलावा याद रखे रहिएगा कि कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि अस्तित्राट अस्तित्राट एम बनाए गए थे अविवा इंश्योरेंस के क्योंकि वो भी इंश्योरेंस था इसलिए थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट हो जाता उसे भी याद रखे रहना हम लोगों के लिए ठीक है और किसको याद रखे रहो भाई हाँ किसी को कोई दिक्कत तो परेशानी इतनी अपॉइंटमेंट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट है तभी पढ़ रहे हैं ठीक है यस यस देखो फैन कोड ने रवि शास्त्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ठीक है पोकरबाजी ने शाहिद कपूर को अपना ब्रांड शाहिदर बना लिया अभी तो ये कुछ आप लोग जरा बातों को याद रखिएगा हमारे अगले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन हो जाते हैं ये हो जाते हैं राजीव कुमार जी ठीक है ये कुछ हाल फिलहाल की आपकी अपॉइंटमेंट रिलेटेड न्यूज है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए हम लोग आगे बढ़े अपनी अगली खबर पे यस मूविंग टू नेक्स्ट अब ये देखो इंडिया को इलेक्ट किया गया है यूनेस्को की ऑन आईसीएच फॉर इयर्स ऐसा यूनियन मिनिस्टर इंटरगल रेड्डी ने बताया है कितने ये खुश हैं इनकी चेहरे की खुशी देखो कहीं जा ही नहीं रही है जैसे ओके खैर हाँ क्या कोई मुझे बता सकता है बच्चों वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ यूनेस्को सभी लोग आंसर करना वेयर इज द ड ऑफिस ऑफ यूनेस्को एनी वन हुन आंसर गुड इवनिंग नहीं कल क्लास नहीं हुई थी कल क्लास में बहुत तमाशा भी हो गया था बिल्कुल गलत हाँ मुझे सारे आंसर्स मिल रहे हैं पेरिस विच इज कारिक बिल्कुल सही बता रहे हो खैर चलो हम लोग बातें कर लेते हैं बेसिकली कि ये कौन सी कमिटी है इंडिया को कहां पे बनाया गया अभी इनका <laughs> किस कमिटी का इन्हें चीफ बनाया गया तो आप जैसे देख सकते हो इंटरगवर्नमेंटल कमिटी ऑफ यूनेस्को

2010 तक और अगला था 2014 से 2018 आप ये देखो हर चार साल के बाद बनकर फिर आ रहा है ठीक है जैसे 2006 में किया था 2010 तक फिर चार साल के बाद 2014 से 2018 फिर चार साल के बाद 2022 से 2026 ऐसे आप लोग याद कर सकते हो तो आसानी से अगर आपको याद हो हमने पिछले साल एक न्यूज पढ़ी थी कि जो कोलकाता का दुर्गा पूजा होता है उसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में यूनेस्को ने इंक्लूड किया था तो ये जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है इनको कह सकते हो आप लोग इनको कंजर्व करने के लिए ये कमेटी बनाई जाती है अब बात ये आती है कि इससे क्या इंडिया का कोई भी फायदा है क्या इससे इंडिया कुछ भी कर सकती है तो आप कह सकते हो कि हाँ इंडिया इससे काफी उसका फायदा है क्यों सबसे पहले तो ये बात होगी कि भारत कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में आएगा प्लस ये जो आपकी ओवरऑल कमिटी है इंटर गवर्नमेंटल कमिटी इसमें इन सबके साथ क्लोजली वर्क करेगा उसको और काम करने का ढंग पता चलेगा और बेहतर तरीके से जो इंडियन कम्युनिटी है ये और बेहतर काम कर सकेगी तो काफी सारे वायदे हैं क्योंकि बड़े बड़े लोगों के साथ में हमें काम करने का यहाँ मौका मिलेगा और अपनी वर्किंग भी अच्छी करने की हमें सीख मिल सकती है ठीक है हाँ एक और भी बात आप लोग याद रखे रहिएगा भारत चाहे तो आसानी से जो 2003 का इंपॉर्टेंट कन्वेंशन था इसको भी मॉनिटर कर, इस कर सकता है और इस पर भी अपना वर्क कर सकता है इसलिए आप लोग कह सकते हो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है भारत के पास में ये ठीक है अब आप लोग एक बात याद रखे रहिएगा कि अगर हम लोग ये बात करते हैं जो यूनेस्को का कन्वेंशन है सेव इन इन कल्चर सॉरी इन टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज अगर हम इसकी बातें कर लेते हैं तो बेसिकली एक आप लोगों के वहां पर रेजोल्यूशन uh, लाया गया था 2003 में और इसको पास कर दिया गया था सन 2006 में ठीक है सन 2006 में इसको पास कर दिया गया था अगर हम बात करते हैं कि इसमें, कि इसमें कितने सदस्य होते हैं आईसीएच के अंदर तो ये ट्वेंटी फोर मेंबर्स होते हैं ठीक है कितने होते हैं ट्वेंटी फोर मेंबर्स इसके अंदर हुआ करते हैं साथ में आप लोगों को और क्या याद रखना चाहिए कि इसको जो है इलेक्ट किया जाता है जनरल असेंबली कन्वेंशन पे ठीक है इंटेंजिबल क्या होता है जिसको आप टच ना कर सको जिसके अंदर कोई ऐसी खास चीज हो जैसे कि आप पूजा को टच कर टच कर सकते हो नहीं ठीक है अच्छा पूजा क्या बात हो रही है देवी जी की पूजा या पूजा ठीक है आ, ये मत समझना कोई पूजा नहीं पूजा ठीक है वर्शिपिंग सो कैन यू टच इट नो दिस इज इंटेंजिबल इसे आप टच नहीं कर सकते हो ठीक है तो ये सारी चीजें होती है कोई कल्चर है कल्चर को हम देख सकते हैं समझ सकते हैं उसे टच कहाँ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं तो वही चीज होती है आपके इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में भारत जो इसके अंदर एक सदस्य समिति बनाई जाती है ट्वेंटी फोर मेंबर्स की कमिटी इसका एक सदस्य बनाया गया है चार सालों के लिए क्या इसके पहले भी भारत कभी इसके अंडर आया है हाँ दो बार इसके पहले भी भारत इसमें क्या कर चुका है सदस्यता प्राप्त कर चुका है इतनी सारी बातें हैं जो आप सभी लोगों को पता होनी चाहिए जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ठीक हाँ। है हाँ खैर चलो हमने इतनी बातें कर ली तो और अगर हम देखें कि भारत के पास में कितनी ऐसी ओवरऑल हमारे वहां पे कितनी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हुआ करती है भारत के पास में तो भारत के पास में ओवरऑल फोर्टीन है ठीक है भारत के पास में टोटल फोर्टीन है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो आप लोग यहां देख सकते हो ठीक है किसी को कोई दिक्कत परेशानी ठीक है खैर एक तो दुर्गा पूजा होती है और उसके अलावा तेरह ऐसी ट्रेडिशन हैं ये तो पूजा हो गई तेरह ऐसी ट्रेडिशन है जो कि इसके अंदर आती हैं टोटल कितनी होती है ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है टोटल हमारे वहां पर ये हो जाती हैं फोर्टीन चलो अब हम लोग जरा अपनी अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं ग्रेट अच्छा बच्चों क्या कोई मुझे यह बता सकता है कि हां क्या कोई मुझे यह बता सकता है जी किशन रेड्डी जी की कॉन्स्टिट्युएंसी क्या होती है इनकी कॉन्स्टिट्युएंसी के बारे में कोई भी ऐसा जो मुझे बता सके क्या कॉन्स्टिट्युएंसी है इनकी मुझे बहुत सारे आंसर्स मिल रहे हैं तेलंगाना हैदराबाद कर्नाटका एक दो नहीं तमाम आंसर्स मुझे मिल गए हैं ग्रेट और भी कोई बताएगा कि इनकी एग्जैक्टली exactly क्या कॉन्स्टिट्युएंसी uh, होती है क्योंकि कई बार आप लोगों से ये पूछा जाता है नहीं बताओगे देखो तेलंगाना हम लोगों को नहीं बताना है हम लोगों को यहां बताना होगा सिकंदराबाद तो अब तेलंगाना बताने का क्या सेंस है क्या होती है सिकंदराबाद ठीक है ये हमारे वहां टूरिज्म मिनिस्टर होते हैं जो आप लोग देख भी सकते हो ओके चल अगले खबर पे हम चलते हैं अब देखो यूनियन मिनिस्टर इनोग्रेट अखिल भारतीय शिक्षा समागम टू तो इंप्लीमेंट एनईपी ठीक है कहां गए सब लोग यहां पे हैं सब लोग हाँ भाई तो अभी हम क्या यहां देख रहे हैं हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं इन्होंने इन किया है अखिल भारतीय शिक्षा समागम ठीक है ताकि इंप्लीमेंट किया जा सके एनईपी को इसकी इंप्लीमेंटेशन की लाइन पे ये सब किया गया है है ठीक चलो तो जरा हम बातें समझते हैं तुम लोग ये आगे देख लेना मैं आपको यहीं पे सब समझा देती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि फोटो देख के हम लोग को ज्यादा समझ आता है चलो दोस्तों खैर अगर हम लोग बातें कर लेते हैं कि एग्जैक्टली exactly ये हुआ क्या है तो जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हो अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने इनोग्रेट किया है क्या अखिल भारतीय शिक्षा समागम ठीक है ये हो क्या रहा है exactly एग्जैक्टली इसको करने का इनका मकसद क्या था इन्होंने इसको किया अभी कुछ लोगों की गैदरिंग हुई थी और यहाँ अपने एजुकेशन सिस्टम पे पूरी बातचीत हो रही थी किस पे बातचीत हो रही थी अपने वहां की एजुकेशन सिस्टम पे ठीक है इसी गैदरिंग में वाराणसी में हुआ ये सब इन्होंने जो है अखिल भारतीय शिक्षा समागम का इनोग्रेशन किया है और ये भी कहा गया इसको इनोग्रेट किया जा रहा है सो एज वी कैन इंप्लीमेंट द एनईपी इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग इसका इनोग्रेशन अभी कर रहे हैं ठीक है अब देखो आपको याद होगा बजट में इस बार एक अमृत काल मेंशन किया गया था अगर आप लोगों को सबको याद हो अमृत काल क्यों मेंशन किया गया था काल में कहा गया था कि भारत में जो पिछले पचहत्तर साल रहे हैं वो हम लोगों ने सेलिब्रेट कर रहा है अभी अब हम लोग अगले पच्चीस साल को अमृत काल मान के चलेंगे क्योंकि इसमें हमारे हंड्रेड ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट हो जाएंगे तो इन्होंने ये कहा था कि जो हंड्रेड ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे वहां पर हो जाएंगे तो ये जो टोटल ट्वेंटी फाइव है यानी जो पचहत्तर हो चुके हैं और आने वाले जो ट्वेंटी फाइव है इसमें हम लोग अपने देश को कुछ ऐसा करेंगे जो ये सबसे अलग हो जाए बहुत ही तेजी से डेवलपमेंट हो जाए और हमारा देश बहुत ही बेहतर बन सके इसी से इस पच्चीस साल को इन्होंने अमृत काल टर्म दिया था देखो कोई भी देश अगर आगे बढ़ना चाहता है तो वहां पे जो भी एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने आपको ये भी बता रखा है कि जो एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वहां पे भी एजुकेशन फोर्थ नंबर पर आता है ये कह सकते हो तो आप लोग एक प्राइमरी नीड है किसी भी नेशन की तो यही नुनिका है कि हमने जो अपने वहां पे एनईपी शुरू किया है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये हमारे अमृत काल का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है ठीक है इसी के साथ साथ में इन्होंने इसका इनोग्रेशन किया है बहुत फोकस करते हुए बहुत सारी बातें भी इन्होंने की है कि हम लोग ऐसा करेंगे वैसा करेंगे हाई लेवल ऑफ टैलेंट लाया जाएगा फिर एक और भी चीज इन्होंने किया है नया काम वो किया था अक्षय पात्रा मिड डे मील अक्षय पात्रा मिड डे मील ये भी इन्होंने शुरू किया यहाँ पर ताकि मिड डे मील जो है बच्चों को सही पोषण मिल सके जो भी स्कूल वाले बच्चे आ रहे हैं उन्हें यहाँ पोषण मिल सके वो लोग अपनी स्कूल अटेंड कर सके कुछ मिस ना हो ठीक है इसी को ओवरऑल बेहतर करने के लिए इन्होंने ये सब कुछ लॉन्च किया अब हमें बहुत डीप में यहां नहीं जानना है बेसिक हमें ये जानना है कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जो भी एकेमिडिशिय पॉलिसी मेकर्स हैं या लीडर्स हैं कि वो शेयर कर सके अपने एक्सपीरियंस और एक अच्छा रोड मैप तैयार किया जा सके एनईपी के लिए एनईपी क्या होता है बच्चों ये होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ठीक है तो लोग आएंगे एक प्लेटफॉर्म की तरह ये वर्क करेगा जिसमें जो भी अकेडमिशियंस आके, एक्सपीरियंस लोग हैं वो शेयर करेंगे एक मैप तैयार किया जाएगा कि इसको कैसे बेहतर तरीके से लागू कर सकते हैं ये बताइएगा विच इज द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट एनईपी पहला ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने अपने वहां एनईपी को इंप्लीमेंट किया एनी वन हुन आंसर नहीं बताओगे वी हैव डन इट सेवरल टाइम्स स्टिल यू कैन टेल वेरी गुड ये आपका हुआ था कर्नाटका में सेकेंड ऐसा कौन सा स्टेट बना था सेकेंड आप लोगों का ऐसा मध्य प्रदेश था ठीक है तीन दिन का इवेंट हुआ है तीन दिन में ये सारी चीजों को डिस्कस किया जा रहा है क्या क्या कर सकते हैं कैसे कैसे कर सकते हैं ओके ये सारी बात आप लोग याद रखे रहिएगा अभी मैंने आपसे दो तीन दिन पहले ही एजुकेशन रिलेटेड बहुत सारी चीजों को और डिस्कस किया था एक बार ही और हम लोग फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कि एजुकेशन मिनिस्ट्री का और अलग अलग में कितना इस बार बजट एलोकेशन किया गया है कितनी रिक्वायरमेंट है कितनी करनी चाहिए कितनी नहीं करनी चाहिए ठीक है तो एक बार हम लोग अगर फटाफट से डिस्कस कर देखो सबसे पहले तो आप लोग याद रखे रहिएगा कि हमारे देश में जो एजुकेशन मिनिस्टर है इस बार के बजट में इनका एलोकेशन था करोड़ थाउजेंड टू हंड्रेड एंड सेवन टू हंड्रेड से जो कि इलेवन पॉइंट एट सिक्स परसेंट ज्यादा है लास्ट ईयर से मैंने आपको यह भी बताया था कि जो एनईपी की हम बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा था कि हमारे वहां जो एजुकेशन है इसे सिक्स परसेंट ऑफ जी डी पी एलोकेट करना चाहिए इनके मुताबिक एनईपी के मुताबिक हमारे देश में बजट का एलोकेशन सिक्स परसेंट तक होना चाहिए जीडीपी का ठीक है लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं रिवीजन एस्टीमेट और बजट एस्टीमेट तो दो हजार बीस इक्कीस पिछले साल का कितना था दो हजार उन्नीस बीस का था टू पॉइंट एट परसेंट हालांकि कुछ बड़ा है लेकिन जितना होना चाहिए उतना भी नहीं है तो ऐसा बताया गया था कि भाई जीडीपी का आप कम से कम छह परसेंट एलोकेट करो ताकि एजुकेशन सिस्टम सही कर सको लेकिन अभी हम लोग कहीं उसके फिफ्टी परसेंट में पहुंचे हैं। उतना पहुंचने अभी हम लोग को बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है क्या ये भी याद रखिएगा डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी को सिक्सटी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड करोड़ का एलोकेशन किया गया था और हायर एजुकेशन को कितना किया गया था फोर्टी थाउजेंड एट हंड्रेड एंड टेन करोड़ का ठीक है तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए इंपॉर्टेंट है किसी को कोई दिक्कत तो परेशानी की ऐसा क्यों किया गया था तो ये बस आप लोग याद रखियेगा कि तीन दिन का इवेंट हुआ है जिसका नाम था अखिल भारतीय शिक्षा समागम वाराणसी में किया गया ताकि एनईपी को कैसे हम लोग अपने वहां पे शुरू कर सकते हैं इसके लिए लोग अपने अपने एक्सपीरियंस और रोड मैप शेयर करेंगे इम्पोर्टेंट और क्या था अक्षय पात्र मिड डे मील स्कीम टॉकिंग तो अबाउट यूपी तो यूपी वाराणसी में हुआ है यूपी ऐसा स्टेट है जहाँ पे हाइएस्ट नंबर ऑफ लेजि असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल राज्यसभा लोकसभा सीट्स होती है लोकसभा एटी होती है राज्यसभा थर्टी याद रखना आप लोग ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चलो यू आ, यूपी ने अभी कुछ दिन पहले एस बी आई आईसीआईसीआई एसडीएफसी और सिडबी के साथ में मिलकर के अपने वहां पे अपनी जो इनकी अथॉरिटी है डिफेंस कॉरिडोर इसको बेहतर करने को कहा है और इनकी जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है एक्सप्रेस डेवलपमेंट अथॉरिटी उसको भी बेहतर करने को कहा था ठीक है खैर यूपी रिलेटेड है तो बहुत ज्यादा अब देखो जो हमारे एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री है इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है हरियाली महोत्सव ठीक है देखो दोस्तों हम देख जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इन्होंने सेलिब्रेट किया है दिल्ली में, में अभी हमने ये भी देखा था कि बहुत बड़े लेवल का ये लोग शॉपिंग इवेंट भी लॉन्च करने वाले हैं अगर आप लोगों को याद हो कब इसको लॉन्च करने वाले हैं हाँ ये लोग इसको लॉन्च करने वाले हैं अपना आ, दो हजार तेईस खैर अभी फिलहाल में आप लोग ये देखिएगा कि हरियाली महोत्सव हुआ है इसका मकसद क्या है इसका मकसद है पेड़ों को लगाना ज्यादा से ज्यादा देखो नाम याद रखना है कहां पर हुआ था ये याद रखना है अब बाकी बातें अगर मैं आपको बताती चलू साइमल्टेनियसली देखो अपने देश में इस बार जो भी हो रहा है कहीं ना कहीं वो एक आजादी का अमृत महोत्सव का पार्ट हो रहा है सिमिलरली ये भी उसी का एक पार्ट है ठीक है इसके थ्रू क्या किया जाएगा इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा इस मकसद से ताकि लोगों को बताया जा सके कि ट्रीज हमारे वहां पे कितने इंपॉर्टेंट है बहुत बड़ा जरिया है ऑक्सीजन का बहुत ब... आ, जैसे आ, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी फिर से बताती हूँ आप सोचो मैडम के पास बहुत स्टोरी रहती है एक्चुअली मेरे पास स्टोरी रहती है देखो जब भी अभी आप लोगों का लास्ट टाइम कोविड आया था तो मेरी जान पहचान के एक लोग थे जिनका जो आपका एस्पियोटो लेवल था वो एटी तक चला गया था एंड उनके हस्बैंड डॉक्टर थे बड़ा सा पेट था उसके बी नीद उन्हें लेटा के और जो एक्सरसाइजेस करनी थी वो कराई गई थी उसके बाद से उनका जो एसपीओ टू लेवल था वो अपने आप बिल्कुल सही होने लग गया था धीरे धीरे एक्सरसाइजेस के सारे के बाद से ठीक है तो इनका बहुत बड़ा रोल होता है जैसे हम सभी को पता है रात में सीओ ट्यूजॉर्ब जो है रिलीज करते हैं फिर फ्रेस ऑब्जॉर्ब करते हैं सॉरी रिलीज करते हैं जैसे ऑक्सीजन देते हैं हम लोगों को या हम लोगों के वहां पे जितनी ग्रीनरी होती है इनकी वजह से ठीक है तो लाइफ सस्टेन करने के लिए और जो हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अगर आप लोग ट्रीज को कट करते जाओगे तो फायदा क्या है इसलिए जरूरी है कि हम लोग ये देखें कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उनको भी नुकसान ना और साथ ही साथ में हम अपनी भी डेवलपमेंट करते चले जरूरी है कि हम लोग ट्रीज को लगाते चले उसी मकसद से इसको शुरू किया गया है कि हरियाली महोत्सव होगा जो कि एक ट्री अवेयरनेस कैंपेन होगा लोगों को बताया जाएगा इसका क्या महत्व है इससे हमारे क्या क्या फायदे हैं हम लोग चाहें तो इनके साथ साथ कितना कुछ कर सकते हैं ठीक है अगर हम लोग इन्वायरमेंट को हम ना करें तो जो नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं जो क्लाइमेट चेंज की वजह से इतनी सारी दिक्कतें देखने को मिल रही है वो शायद ना हो इसी मकसद से इसको शुरू किया गया ठीक है दिल्ली। किसी को कोई दिक्कत दुख, की, क्यों किया गया है हा भाई एक और भी बात याद रखिएगा ठीक है पर इसको पूरे देश भर में ऑर्गेनाइज करने वाले हम देख सकते हैं ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट ऑर्गेनाइज किया है किसके साथ में किया है स्टेट गवर्नमेंट के साथ में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है के साथ स्टेट गवर्नमेंट इनके साथ में मिलकर के इसको ऑर्गेनाइज किया गया है अब एक बात और याद रखीजिएगा जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि जो आपका प्लांटेशन ड्राइव है इसमें हाँ देखो 75 नगर वन 75 किलोमीटर ऑफ रोड लेंथ और 75 पुलिस इंस्टीट्यूशंस, इन 75 स्कूल्स इन दिल्ली एंड 75 डिग्रेडेड साइट्स अक्रॉस द कंट्री ठीक है यहाँ पे प्लांटेशन की जाएगी तो अब देखो 75 तो याद ही हो गया है हर जगह 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 हम लोग 75 ही देखते आते हैं बिकॉज ये हमारे पचहत्तरवीं साल है आजादी की ठीक है तो आप लोग हर जगह सेवेंटी फाइव तो ही देखोगे लेकिन आपको इसके साथ में ये भी पता होना चाहिए कि 75 कहां कहां पे वो भी आप लोगों के लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिलहाल में याद रखना ओके हां जैसे आप देख सकते हो नगर वंस किलोमीटर्स एंड रोड लेंथ पुलिस इंस्टीट्यूशन स्कूल्स इन डेली डिग्रेडेड साइड इन सर जगह पे क्या किया जाएगा इसको प्लांट किया जाएगा प्लांटेशन ड्राइव होगी ठीक है हाँ भी, अब एक बात मुझे आप लोग जरा सभी लोग बताइएगा कि हमारे देश में कितनी ट्री सिटीज हैं भारत के अंदर कितनी ट्री सिटी हैं एनी वन कैन आंसर टू है तो कौन कौन सी टू है ये भी बताओ हैदराबाद एंड मुंबई ठीक है yes. यस तो देखो एफ ए जो है ये और आर्बर ट्री सिटी फाउंडेशन आर्बर फाउंडेशन जो है ये मिलकर के ट्री सिटी डिसाइड करते हैं हमारे देश में जो सबसे पहली बार ट्री सिटी चुना गया था ये हैदराबाद थी इस बार और इंक्लूड कर लिया गया था मुंबई को भी इंक्लूड कर लिया गया था ठीक है अच्छा ये बताओ दिल्ली एक, एक स्टेट है या यूटी है व्हाट इज दिल्ली डेल्ही स्टेट और यूटी क्या है बताओ फटाफट आंसर्स करो सभी लोग यस दिल्ली इज ए यूटी ठीक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैं ऐसे नहीं पूछ रही जरूरी है पूछना स्टेट याद रखे रहेगा अपने देश में अट्ठाइस होते हैं यूटी देश में आठ होती है ये भी याद रखे रहना हो सकता है कभी ये पूछ लो और शायद हम लोग ना आंसर कर पाए अब अगर दिल्ली से रिलेटेड थोड़ी तो और बातें कर ले तो दिल्ली सरकार ने कहा है शॉपिंग फेस्टिवल लॉन्च करने को अगले साल दो में दिल्ली में क्या लाया जाएगा शॉपिंग फेस्टिवल कराया जाएगा ठीक है ये शायद आप लोगों को अभी तक याद हो गया होगा हम लोगों ने डिस्कशन कर रखी है इसकी इसके अलावा क्या याद रखिएगा अभी यहाँ पे आ, कुशल कर्मी भी शुरू किया गया है ठीक है कुशल कर्मी यहाँ की सरकार ने शुरू किया कल वाली पीडीएफ में आप लोग शायद देखे होंगे फिर दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी शुरू की गई थी इनकी दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी इसको भी शुरू किया गया था बच्चों और क्या याद रखे रहिएगा दिल्ली सरकार ने कहा है कि जो कॉलोनीज और स्ट्रीट होंगी जगह जगह पे इसे बाबा साहेब अम्बेडकर नाम से कर दिया जाएगा हरिजन सटाकर बाबा साहेब अंबेडकर इनके नाम पे कर दिया जाएगा हरिजन वर्ड हटाकर ठीक है इन्होंने मुख्यमंत्री सीवर कनेक्शन योजना भी लॉन्च करी थी मुख्यमंत्री कनेक्शन योजना ठीक है तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखी देगा किसी को कोई दिक्कत परेशानी एवरीथिंग ओके हाँ भाई चलो हम अगला देख लेते हैं जब डीप में पढ़ाओ तो सब भाग जाते हैं जब ऐसे पढ़ाओ तो सबके सब आराम सब से लगे रहते हैं सेशन में क्या देखो पीएनबी ने एक एमओ साइन किया है इंडियन एयरफोर्स के साथ में क्या नाम है पीएनबी रक्षक प्लस स्कीम कोई भी ऐसा बैंक होता है किसी ऐसे फोर्स के साथ में एमओयू साइन करता है तो उसका मकसद क्या होता है इसका मकसद होता है कि ये मिलकर इनके जो भी पर्सनल्स हैं इन्हें कुछ स्पेशल सुरक्षा दे सके जैसे एस ने सीएपीएफ के साथ में किया था कोटक महिंद्रा ने इंडियन नेवी इंडियन एयरफोर्स इंडियन आर्मी के साथ में किया हुआ है तो इनका यही बेसिक मकसद होता है कि अपने बैंकिंग की जो भी सुविधाएं हैं वो यहाँ के पर्सनल को बेहतर तरीके से प्रोवाइड कर सके ठीक है देखो अब जैसे आप यहाँ देख रहे हो ये जो पंजाब नेशनल बैंक है पंजाब नेशनल बैंक ने एक एमओयू साइन किया है इंडियन एयरफोर्स के साथ में अपनी फ्लैगशिप स्कीम पीएनबी रक्षक स्कीम ये आपको याद रखना चाहिए यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रक्षक स्कीम कहा की होती है रक्षक स्कीम होती है आप लोगों की पीएनबी की ठीक है अब ध्यान दीजिएगा इस एमओयू से क्या होगा इस एमओयू के जरिए जो आपका बैंक है ये अपने स्पेशली डिजाइन प्रोडक्ट आईईएफ पर्सनल को दे सकेगा साथ ही साथ में पर्सनल पर्सनल इंश्योरेंस कवर भी जैसे क्या क्या ऑफर करेगा पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस हो गया एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो गया और ये रिटायर्ड और साथ ही साथ में जो ट्रेनीज हैं सभी को दिया जाएगा ठीक है इसके अलावा जो डिफेंस पेंशनर्स हैं इनको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा जैसे मैंने आपको बता दिया अलॉन्ग विद पर्सनल ऑफ द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज स्टेट पुलिस फोर्स एंड मेट्रो पुलिस फोर्स ठीक है तो ये क्या करेंगे अपनी तरफ से जो भी बैंकिंग की अलग अलग इंपॉर्टेंट सुविधाएं होती हैं या इंपॉर्टेंट क्या जो भी इनके अपने प्रोडक्ट हैं वो सब के सब इन्हें प्रोवाइड करेंगे ठीक है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए जो आपके एग्जाम में शायद से पूछा जा सकता है ठीक है खैर चलो अभी हम लोग जरा थोड़ी और बातें कर ले कि इन, ये तो बस हमने देख लिया कि हाँ पीएनबी ने कहा है कि हम लोग इंडियन एयरफोर्स के साथ में टाइप करेंगे और जो भी हमारे पास में स्पेशल या जो भी हमारी बैंकिंग सुविधाएं हैं वो हम लोग आईएफ के जितने भी पर्सनल्स है चाहे वो रिटायर्ड हो चाहे वो वर्किंग हो चाहे वो ट्रेनी हो उन सभी को हम लोग ऑफर करेंगे जिसमें इन्होंने एक्सीडेंटल और लाइफ इंश्योरेंस का भी प्रोवाइड करने को कहा है ठीक है अब देखो अगर हम लोग आईएफ रिलेटेड थोड़ी सी डिस्कशन कर ले तो अभी अभी जो आईएफ है ये वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स में वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स में थर्ड पर थी ये आप लोग जरा याद रखे रहो ठीक है थोड़ी सी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाती है याद रखने वाली एग्जाम में आपसे शायद से पूछ ली जाए कभी ठीक है इसके अलावा कुछ दिन पहले आई ने एक टाई अप किया था आईटी दिल्ली के साथ में किसके साथ में आई दिल्ली के साथ में इन्होंने एक टाई अप किया था ताकि मेंटेन की सॉरी आईटी मद्रास के साथ में आई टी डेली मद्रास के साथ में फॉर वेपन इंडिजिनाइजेशन सिस्टम ठीक है वेपन इंडिजिनाइजेशन सिस्टम के लिए इन्होंने एक टाइप किया था अभी इजिप्शियन फोर्स टैक्टिकल लीडरशिप प्रोग्राम हो रहा था टैक्टिकल लीडरशिप प्रोग्राम इसमें इंडिया ने भी इन्हें ज्वाइन किया था मैंने आपको बता रखा है इजिप्शियन के साथ में हो रहा था ये इंडिया ने इन्हें ज्वाइन किया था ठीक है और क्या याद रखिएगा आप लोग और आप लोग याद रखिएगा कि आई का अपना एक हेरिटेज सेंटर शुरू होने जा रहा है चंडीगढ़ में कहां पर चंडीगढ़ में इनका एक हेरिटेज सेंटर आ रहा है ठीक है ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो हम लोगों को याद रखने होंगे मतलब एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं किसी को कोई दिक्कत हो परेशानी ऐसा क्यों हो रहा है चलो अगला देखो ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एक कंपनी है इन्होंने कहा है कि इन्वेस्ट करेगी 1925 करोड़ महिंद्रा न्यू ईवी कंपनी के अंदर ठीक है हाँ देखिए क्या हम लोग देख रहे हैं क्यों हो रहा है क्यों हो रहा है, हो रहा है? क्या कह सकते हो आप लोग अपना कस्टमर बेस बढ़ाया जाएगा आईएफ को भी इससे फायदा उन्हें भी बैंक की नई नई सुविधाएं मिलेंगी तो दोनों के लिए फायदेमंद है क्यों हो रहा है यही तो होगा और क्या हो सकता है इज इंटेड ठीक है हाँ यहां हम क्या पढ़ रहे हैं कि ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ये एक संस्था है जो कि इन्वेस्ट करने को कहीन नाइन टू फाइव करोड़ महिंद्रा और महिंद्रा के नए इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोजेक्ट के अंदर ठीक है ध्यान दीजिए तो ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ये संस्था है यूके की डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और इन्होंने कहा है कि ये महिंद्रा और महिंद्रा के अंदर जो है इनकी एक बाइंडिंग एग्रीमेंट है जिसमें इन लोगों ने कहा है कि वन करोड़ तक हम जो है इन्वेस्ट करेंगे शुरू शुरू में ये कंपलसरी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट होगा यानी कि शुरू शुरू में इन्हें इनकी ओनरशिप नहीं दी जाएगी जितना इन्होंने इन्वेस्ट किया होगा उसके हिसाब से इन्हें इनका इंटरेस्ट पे किया जाएगा आफ्टर सम टाइम इनको जो है शेयर्स दे दिए जाएंगे और ये यहाँ पे क्या हो जाएंगे इनके साथ में भागीदार हो जाएंगे ठीक है तो ये इसे इनिशियली कंपल्सरी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट में करेंगे इसी के बाद से ये लोग क्या करेंगे यहाँ पे भागीदार इनके साथ में बन जाएंगे ठीक है तो किसने इन्वेस्ट किया है ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ने किया है किसमें किया है महिंद्रा और महिंद्रा में किया है कितना इन्वेस्टमेंट किया है 1925 करोड़ किया है क्यों ईवी की जो भी मैन्युफैक्चरिंग इन्होंने करने को कही है उसमें उनके नए प्रोजेक्ट में इनके भागीदार बनने को कहा है ये है है ठीक ये इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को याद रखना चाहिए ठीक है हाँ भाई चलो खैर तो ये हमने देख लिया इतनी -इतनी बातें हुई हैं ईवी रिलेटेड हम लोगों ने कई बार देखा है अब इसी को अगर मैं बहुत ज्यादा घुमा दूं तो और ज्यादा घूमी जाएगा खैर ये आप लोग देखिएगा टोटल कैपिटल इन्फ्यूजन कितना था ये आपसे नहीं पूछा जाएगा यहाँ से जो एक पूछने वाली बात थी वो ये थी कौन सी कंपनी किसके अंदर कितना इन्वेस्ट करेगी और कंपल्सरी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट आगे जाकर के आपका शेयर्स की तरह से कन्वर्ट हो जाएगा ये सारे क्वेश्चन अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल तो हम सभी को पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसा कि राज्यसभा में रिपोर्ट दी गई थी उसके हिसाब से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उत्तर प्रदेश के अंदर होते हैं ठीक है ये तो हम सभी को पता है कुछ दिन टोयोटा ने कुछ दिन पहले टोयोटा ने अपनी हाइड्रोजन पावर्ड मिराई को लॉन्च किया था ये हम लोगों ने देख लिया था ठीक है फिर अगर हम बात कर लें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तो एक और भी बात आप लोग जरा याद रखे रहेगा हाँ कुछ दिन पहले इन लोगों की एक पूरी पूरी स्टेशन मतलब कह सकते हो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तेलंगाना में लॉन्च करने की बात हुई थी ठीक है क्या आप मुझे बता सकते हो तेलंगाना सरकार के साथ में कौन सी कंपनी ने लॉन्च करने को कहा था कोई भी ऐसा जो मुझे ये बताए कि तेलंगाना सरकार के साथ में कौन सी कंपनी ने इसको लॉन्च करने को कहा था नहीं बताओगे हाँ बहुत ही दो कौड़ी का है लेकिन तब भी बता सकते हो है. अब एक और बात याद रखीजिएगा हमारे देश में पहली बार एक स्मार्ट चार्जी चार्जिंग स्टेशन आया था जिसको कमीशन 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 किया 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 था 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 बीएसईएस ने कहां पर नई दिल्ली में इसे गया था। फिर क्या याद रखिएगा मुंबई को अपना पहला ईवी स्टेशन मिला था जिसको पावर किया गया है बायोगैस के द्वारा तो अगर आपसे पूछा जाता है ऐसा ईवी चार्जिंग स्टेशन जिसकी पावर बायोगैस के द्वारा हो रही है यह कहा खुला है यह शुरू हुआ था मुंबई के अंदर ठीक है ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है अपार्ट फ्रॉम दैट एक और भी बात आप लोग याद रखेगा सभी लोग कि इंडिया जो है यहाँ पे सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू किया गया था गुरु ग्राम के अंदर ठीक है चलो कल आप लोगों ने ये भी देखा होगा एनएच ईवी जो है उन्होंने अभी अभी एक सॉरी ई हाईवे बनाने को कहा है जयपुर हाईवे पे कल आप लोगों ने पीडीएफ में देखा होगा तो उसमें उन्होंने कहा है कि जियो फेंसिंग कर देंगे जिससे अगर कोई भी व्यक्ति यदि इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर के इस एरिया से बाहर जाता है तो उसका पता लग सकेगा इससे टूरिस्ट को भी आसान होगा और जो अपनी गाड़ी रेंट करेगा उससे भी आसान होगा ठीक है अगला देखो इंडियन साइंटिस्ट ने डेवलप करने को कहा है रैपिडली चार्जिंग सोडियम आयन बेस्ड बैटरीज एंड सुपर कैपेसिटर्स यूजिंग नैनो मेटीरियल इंडियन साइंटिस्ट ठीक है तो ये बात आई है अभी अभी कि हमारे वहां पर अब क्या होगा अब हमारे वहां पर हाँ ये अभी मतलब ये बहुत न्यूज में बात रही थी इंपॉर्टेंट भी है याद रखने की चीजें कहा जा रहा है कि भारत के जो साइंटिस्ट है, हैं ये डेवलप करेंगे रैपिडली चार्जिंग सोडियम आयन बेस्ड बैटरीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह तो उसमें लिथियम आयन जो है इनका बड़ा यूजेज होता है उन सब में जो कि बहुत महंगा भी पड़ता है तो इन्होंने कहा है कि हम लोगों ने एक बढ़िया सॉल्यूशन निकाला है हम लोग सोडियम आयन बेस्ड यूज करेंगे जो कि सस्ता भी है और आसानी से शायद मिल भी सकता है ठीक है इसको लॉन्च करने को कहा गया इंडियन साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया देखो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मे हैव बीन कैचिंग अप इन द टू एंड थ्री व्हीलर स्पेस इन इंडिया बट इलेक्ट्रिक बाइसिकल्स कैन ऑल्सो प्ले अ बिग रोल इन मेकिंग ग्रीन मोबिलिटी एक्सेसिबल एंड मेक कस्टमर स्विच ओवर टू क्लीन व्हीकल्स इजिल जो सबसे बड़ा एक चैलेंज है इंडस्ट्री के पास में वो है करंट जनरेशन का लिथियम आयन बैटरीज जो यूज किया जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हम लोगों ने देखा है कि इसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है अभी आप लोगों को अगर याद हो तो हम लोगों ने एक मिनरल जो भी क्रिटिकल मिनरल है इसके लिए एक एमओयू भी साइन किया है ऑस्ट्रेलिया से ताकि ऑस्ट्रेलिया हमें ये प्रॉपर सप्लाई करती रहे पर हमारी डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं दूसरों पे ज्यादा है ये महंगी भी है इजीली अवेलेबल भी नहीं है इसके लिए जो लिथियम आयन यूज होता है इसकी जगह क्या किया जाएगा देखो ये एक्सपेंसिव भी है जिसकी वजह से जो ई बाइसिकल्स है इसको कहा जा रहा है एक प्रीमियम प्रोडक्ट होगी इस मार्केट में अगर हम लोग सोडियम आयन भी लेकर के आए इससे बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है मैन्युफेक्चर का भी और हमारे देश का भी ताकि हमारी डिपेंडेंसी एटलीस्ट ई बायसिकल्स पे इसके लिए कम हो जाएगी ठीक है तो इन्होंने क्या कहा है कि जो साइंटिस्ट हैं, इंडिया के इन्होंने कहा ये नैनो मटेरियल यूज़ करेंगे जिससे डेवलप किया जा सके सोडियम आयन बेस्ड बैटरीज और सुपर कैपेसिटर्स, जो कि रैपिडली चार्ज हो सकते हैं और इंटीग्रेट कर दिया जाएगा इनको खड़गपुर e ये, तो ये है रिसर्चिंग से जिन्होंने डेवलप किया है एनर्जी स्टोरेज आर बेस्ड ऑन

तो ये सब आप लोग ध्यान रखे रहो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने वाली चीजें ठीक है थीके? चलो ये देख लो प्राइस ऑफ दीज व्हीकल्स कैन बी ब्रॉड डाउन टू द रेंजेस ऑफ टेन टू फिफ्टीन थाउजेंड मेकिंग ट्वेंटी फाइव परसेंट चीपर देन लिथियम आयन स्टोरेज टेक्नोलॉजी बेस्ड साइकल ठीक है फिर देखो गूगल ने लॉन्च करने को कहा है स्टार्टअप स्कूल इन इंडिया ठीक टारेट्स टेन थाउजेंड स्टार्टअप इन स्मॉल सिटीज देखो क्या बात हो रही है गूगल ने अनाउंस किया है कि लॉन्च करेगा ये स्टार्टअप स्कूल इंडिया गूगल फॉर स्टार्टअप इनिशिएटिव के तहत ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसका एक इनिशिएटिव होता है गूगल का नाम हटाकर एग्जाम यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है ठीक है खैर तो देखो ये एक प्लेटफॉर्म है गूगल के अंदर जो कि क्या करेगा जो कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स और सक्सेसफुल एंटरप्रीन्य को एक साथ मिलाएगा जो कि स्टार्टअप्स को क्या कर सकते हैं जो भी मतलब स्मॉलर सिटीज से हैं एक तरीके से क्या कर सकते हैं बेहतर से बेहतर तरीके से देखा जा सकता है कि किन्होंने अभी तक क्या क्या कार्य किया है उनसे आइडियाज लेके क्रिएट कर सकते हैं हम लोग ऐसे स्टार्टअप स्कूल इंडिया जो कि रीच करेगा ज्यादा ज्यादा से स्टार्टअप्स स्टार्टअप्स को भारत में इस में इससे हमारे देश जो Startups हैं ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रही है हमारे देश के स्टार्टअप कुछ और भी बेहतर कर सकते हैं अगर हम लोग इसका क्रिएशन शुरू कर दें सभी लोगों की मदद ली जाएगी जो भी इस फील्ड में कुछ अच्छा कर चुके हैं उनके एक्सपीरियंस शेयर किए जाएंगे फिर इसको बनाने की बात होगी देखो गूगल एम्स रीच आउट टू एटलीस्ट टेन स्टार्टअप्स

इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट बर्थिंग ग्राउंड फॉर स्टार्टअप इन द वर्ल्ड तो ये देख रहे हैं कि इंडिया में ऑलरेडी स्टार्टअप का काफी अच्छा माहौल है काफी अच्छा कर रहे हैं। तो अगर हम लोग इस मार्केट को पकड़ते हैं जादा से जादा तक वो और बेहतर कर सके हम लोग इसकी पूरी कोशिश करेंगे क्या नाम है स्टार्टअप स्कूल इंडिया किसने शुरू किया है गूगल ने शुरू किया है हाँ अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लगभग सत्तर हजार हमारे देश में टोटल स्टार्टअप है भी जो की बहुत ही एक अच्छी चीज है किसी कोई दिक्कत परेशानी हाँ यहां पे बत्ती चली गई है बहुत ही दिक्कत की बात है ये बहुत परेशानी हो रही है लेकिन कोई बात नहीं हाँ मतलब आप लोग ये कह सकते हो कि सीधा सीधा इसका मकसद यही होगा कि दस हजार तक के जो स्टार्टअप्स होंगे उनकी असिस्टेंस और ट्रेनिंग का काम करेगा ये हमारे देश में ठीक है इनकी क्या करेगा इनकी जो भी पॉसिबल असिस्टेंस हो सकेगी पॉसिबल इनकी ट्रेनिंग हो सकेगी ये वो काम करेगा ठीक है इन्वर्टर नहीं होता तो ये क्लास कैसे चलती <laughs> देखो आ, हाँ बच्चों एक बार बात याद रखे ना याद होना चाहिए आपको स्टार्टअप जिनूम रैंकिंग इसमें बेंगलुरु की रैंक क्या थी ट्वेंटी सेकंड थी ठीक है और केरल की अफोर्डेबल टैलेंट में फर्स्ट थी एशिया में फोर्थ थी ग्लोबल ठीक अब ये देख लेना तुम लोग ठीक है एमसीक्यूज देख लो आज के क्या है ये देखो जो स्टार्टअप के बारे में मैंने आपको बताया वही सब दिया हुआ है कि क्या क्या होगा करिकुलम तुम को नहीं पढ़ना इसमें दिया हुआ है मन होगा तो पढ़ लेना एक बार ही ठीक है खैर देख लो आज के एमसीक्यूज को पारितोष पार्टी को एमडीसीओ चुना गया किस इंश्योरेंस कंपनी का आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल एस बी आई जनरल इंश्योरेंस एल या फिर कुछ भी नहीं Which country has elected to UNESCO's Intergovernmental Committee on ICH for four years? France, Finland, India, Russia. ये भी लिखेगा कि इसके पहले इंडिया को कितनी बार और चुना गया है? Which of the following launched the Startup School India initiative? Microsoft, Google, TCS या Infosys? Muhammad Barkindo, इनकी अभी भी मृत्यु हुई है, ये सेक्रेटरी जनरल कहाँ कहते हैं? OECD, African Union, WTO या OPEC? Okay? ये हमारी आज की समाचार थी ये हमारी आज की सेशन थी ठीक है अब आपको लगता होगा इतनी जल्दी आज मैडम का सेशन खत्म हो गया मुझे भी एग्जैक्टली exactly यही लग रहा है लेकिन आज इतना ही था तो आज इतना ही पढ़ है चलो एनी anyway, अगर आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट करना चाहते हो ऑन टेलीग्राम दिस इज माई ग्रुप जी ए बाई सुष्मिता so, मैम इसे आप लोग ज्वाइन कर लेना ठीक है और याद रखिएगा अभी आप लोगों का मॉनसून सेल चल रहा है तो फिलहाल में आप में से जो भी इंटरेस्टेड है वो अगर कोई भी कोर्स परचेस करता है S -U -S -H -M -I -T, अब हम लोग अपनी पहली वाली क्लासेस का भी डिस्कशन कर लेते हैं जो हम लोगों ने इसके पहले करी थी ठीक है सेवेंथ हाँ, जुलाई के जो हमारे क्वेश्चन थे इन्हें देखने हम इट yes. सबसे पहले पूछा जा रहा है किसको अपॉइंट किया गया माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी ने रिजाइन किया यह किया गया था स्मृति ईरानी जी को यह हमने पढ़ ली थी बात ठीक है प्रधानमंत्री मोदी ने इनोग्रेट किया है गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन अग्रदूत का कहा की है ये असम राज्य की ठीक है ये भी हमने पढ़ ली थी बात फिर इंडिया का पहला ऑटोनॉमस नेविगेशन फैसिलिटी तिहान कहाँ लॉन्च किया गया है? आई हैदराबाद में किया गया है कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला मोबाइल टेलीमेटिक्स बेस्ड मोटर इंश्योरेंस एडल विस्नेस को किया था आ, केरल ने केरल की जो फॉरेस्ट फौर, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है ये टाइप किए किस बैंक के साथ डिजिटल पेमेंट कलेक्शन के लिए साउथ इंडियन बैंक के साथ में इन्होंने टाइप किया था वनस्टी शॉप के लिए ओके कौन से स्टेट यूटी ने होस्ट करने को कहा है भारत का सबसे बड़ा बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल ये दिल्ली ने कहा था ठीक है चलो तो ये हमारी आ, पिछले बार के क्वेश्चन थे और ये हमारी आज की न्यूज थी अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगाओ तो प्लीज डू गिविट ए लाइक ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट ये आप लोगों का गोल्ड बैच है इसमें मेरी आज क्लास हुई थी डेमो आप लोग चाहो तो फिर बारह तारीख को यहाँ क्लास कर सकते हो अगर आप परचेज करना चाहते हो यूज कोड एस यू एस एच एम आई टी है फिलहाल में ग्यारह का, का महा प्रैक्टिस बैच है और ये आप लोगों का क्या है ये आप लोगों का बैंकिंग सुपर एलिड का कोर्स है अगर आप लोग इसे लेते हो बिफोर इलेवेंथ ऑफ जुलाई तो एट मंथ्स का आपको पड़ेगा ये ट्वेंटी फोर हंड्रेड में और ट्वेल्व मंथ्स का आपको ये पड़ जाएगा थ्री थाउजेंड में इफ यू यूज द कूपन कोड एस यू एस एच एम आई टी ए नाउ हैव अ ग्रेट डे पीपल कल हम लोग सुबह मिलते हैं सुबह आठ बजे अपनी वीकली में टिल देन हैव अ ग्रेट डे थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत गॉड ब्लेस यू लव यू बुबाई